तीनों बहनों की मीटिंग चल रही है भाई कल शाम से। उनका ब्रेकअप हो गया सारे व्लॉग में। तो सुनो, तेरे घर वालों ने देखा हो वीडियो व्लॉग देखा हो? सबने देखा। तो सबने देखा बोलते, सबने क्या बोला फिर तेरे को घर पे? सच बोलना। अब मेरे साथ लूडो के लगे 10 रुपए की। तू तो हार जाता है हर बार यार। दो दो वापस दे दूंगा पैसे। पक्का? पक्का डन है। बाद बोलना। डन है भाई, सबके सामने बोल दिया। ब्रेक के बाद कुछ ऐसा हाल हो गया सोनू का। और तेरे घर वाले देखेंगे वीडियो तब? तो अगर मेरे को गाली देंगे तब? हां मैं बोलूंगा कि मैंने अपनी मर्जी से खेला। बोल, मैंने अपनी मर्जी से खेला। पक्का ना? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। तो मेरा नाम है राहुल रावत, मेरे चैनल का नाम है उत्तराखंड का लड़का और मैं व्लॉग करता हूँ उत्तराखंड के नेत्री खूबसूरत गाँव से। और बात की जाए अगर मौसम की और इस प्यारी सी सुबह की, तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है भाई, हर तरफ बादल लगे हुए हैं और अभी तक अगर बात की जाए ना तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जो कि आप यहाँ खेत में आके देख सकते हो कितना पानी भाई भर गया है। सुबह के बज रहे हैं 9, सूर्यदेव देख लो भाई, दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का बहुत प्यारा सा मंदिर, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गाय और बैल नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो हैं गौशाला के अंदर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी भाई सुबह से, इसीलिए उनको आज ना बाहर नहीं निकाला है। और अभी मैं नहा धो के फटाफट रेडी हो गया हूँ पूजा करने के लिए। तो चलो जी पूजा करते हैं फटाफट। और माँ पापा भी ऊपर मस्त किचन में बैठे हुए, और आज मेहमान भी आ रखे थे, मतलब कल रात को बड़ी माँ आई थी, दो बड़ी माँ हैं वो आ रखी हैं, और बाकी शायद हो सकता है गाँव के एक आध लोग और भी आए हों, तो वो सब ऊपर किचन में बैठे हैं मस्त। चलो जी फटाफट पूजा कर लेते हैं पहले और फिर किचन में चलते हैं, सब लोगों से आपको मिलवाते हैं। लोकेशन कुछ चेंज हो गई है, इस तरह जैसा कि पहाड़ों का मौसम चेंज होता रहता है उसी तरह मेरी लोकेशन भी चेंज हो गई है। मैं आ गया हूँ छत के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया है पूजा करने वाले हैं, फिर जाने वाले अंदर किचन में। ऊपर है जाग माता का बहुत प्यारा भव्य मंदिर, जहाँ की बहुत सारे व्लॉग मैंने बना लिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे पुराने व्लॉग। और बाकी सामने का जो व्यू है ना, ये मुझे बहुत पसंद है भाई, ये वाला व्यू मुझे बहुत पसंद है अपने छत के ऊपर से। अपनी पूजा हो चुकी है और पूजा करके हम आ चुके हैं पूजा घर से बाहर। जैसे कि आपको पता है पूजा घर हमारा बगल में ही है, मैं आपको पूजा भी दिखा देता लेकिन वहाँ पे फ़ोन रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं कहाँ पे फ़ोन रखता, इसीलिए कोई और भी नहीं फ़ोन पकड़ने के लिए। तो पूजा मस्त हो गई है, अब चल रहे किचन के अंदर। और पापा तो अभी अभी गए, मैं पूजा कर रहा था तब तक पापा और एक गाँव के भी बुज़ुर्ग लोग थे वो तो चले गए, बाकी बड़ी माँ और अंदर बैठी हुई। ये है बड़ी माँ, और ये देखो बड़ी वाली माँ, ये है मतलब बड़ी माँ तो दोनों ही है, पर बड़ी वाली ये है और छोटी वाली ये है। बड़ी बड़ी कौन? पक्की बात? तो ये देखो भाई तीनों बहनें यहाँ बैठी हुई मस्त। दिवस नहीं बेच रहे हो? 11 बजे तुम छकी बात लगा बापा। हाँ हाँ माँ, तो इधर कहा बने माता? ये बनाए उसके, और ये बनाए जाते हैं उनमें पूरी मासी अस्काई होते हैं दोस्तों, माटो का मासी मिट्टी के होते हैं, तो उनको वहाँ चूल्ही के ऊपर रखा जाता है और यहाँ पे गर्म किया जाता है, यहाँ से निकाल के ऊपर रखा जाता है तब बनाया जाता है। तो ये रकल बनाया जाता है उसको, मतलब कोई जो खुशी माँ बनाई जाए। बड़ी माँ ठीक लगनी की ना अलग नहीं ठीक? सेवा कर, सेवा ठीक कर, बहुत बढ़िया सेवा करने है। तो खाई गलता है तू नाश्ता? नाश्ता खाई गई। कति मास का खाए थे? कति खाई? बोल मैं खाई एक एक का मिटन लगाया। कति खाई? बोल माँ खाई दुई तीन वर्ष का। हाँ ये वाली बड़ी माँ हमारी, ये तो अब काम भी नहीं करती इतना, अब ये कि मतलब बस लोगों घर में बैठना है, ऐसे बैठते हैं गांव में। बाकी बड़ी माँ तो बहुत काम करती है, तो बड़ी माँ ने तीन खाए बल, क्योंकि तब जो ज्यादा काम करता है वो ज्यादा खाता है। और माँ ताई खाए ना? अच्छा माँ ने नहीं खाया, तो चलो माँ और मैं भी खाते हैं मस्त। फटाफट पूजा हो गई है, बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद हो सकता है सबको पता हो कि ये जो पूरा साल है, ये बल पूरा साल शनिदेव को बल, पूरा 2024 है ये शनिदेव महाराज का साल है बल, ऐसा ज्योतिष हमारे कुछ बताते हैं। ना पता? ना पता तो पता दो ना, ना पता पता तो कि ये पूरा साल शनिदेव महाराज को, शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहे और खूब पूजा वूजा करो भाई शनिदेव महाराज की, व्रत निकालो हफ्ते में एक दिन, ठीक है। चलो बाकी नाश्ता करते हैं फटाफट से और आपको दिखाते हैं मस्त दाल के साथ इनको खाया जाता है।
और बाकी मैं आपको बनाते हुए दिखा देता, लेकिन तब तक अभी बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इनको फटाफट से खाते हैं और दिन की शुरुआत कर देते हैं बहुत प्यारे व्लॉग के साथ। तो ये देख लो भाई, ये घी है और घी जैसे कि मैं कम ही खाता हूँ। और ये है दाल, ये मिक्स दाल है और ऐसे ही कुछ मिक्स दाल बनाई जाती है। अब इनको इनके साथ डुबो के खाया जाता है, मतलब एक टुकड़ी इसके साथ डुबो के मस्त खाया जाता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से खाते हैं भाई और फिनिश करते हैं। तो नाश्ता नुश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं नीचे और बारिश हो रही है भाई, बारिश शुरू हो गई है। और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे अपनी गौशाला के बाहर वाले में, जो गौशाला है उस पर बाहर भी टीन सेट पूरा बना हुआ है, तो देख रहे हो पूरा टीन सेट इधर बना हुआ है। मस्त बारिश हो रही है बाहर, देख रहे हो। और यहाँ पर हमने गेटी चला रखी है मस्त और आग सेक रहे हैं। पापा भी यहाँ बैठे हुए आराम से, पापा ने आग जला रखी है और यहाँ लकड़ी भी ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ कोयला बहुत पड़ा। बारिश है ना, ये हमारे लिए लाभदायक तो है ही। खैर, हम तो चाहते ही हैं बारिश हो। नीचे देख लो सीरा मस्त, क्या हरा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, क्योंकि आजकल मटर की फसलें चल रही है बहुत ज़्यादा। काम पे नहीं गए आज? नहीं यार, बारिश हो रही है। बारिश हो रही, बारिश हो रही आज। तो आप चाहते हो कि बारिश हो कभी रेस्ट मिले, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार आज डिस्टर्ब हो गया? बारिश ना हो तो दो चार दिन काम करे तो पैसे मिल जाएंगे, राशन खाने के लिए हो जाएगा। हाँ। सोच रहा हूं मैं। अच्छा, मतलब काम करने का है। हाँ। को जब मैंने बोला था सोनू का ब्रेकअप हो गया सारे व्लॉग में, तो सोनू तेरे घर वालों ने देखा वीडियो व्लॉग, देखा हो वाला मेरा वाला? जोर से बोल थोड़ा। सबने देखा? तो सबने देखा, बोल तो सबने क्या बोला फिर तेरे को घर पे, सच बोलना। तो सोनू घर वालों ने ब्लॉग देखा भाई, तो सोनू घर वाले बोल रहे हैं ब्लॉग में बहुत छा रखा है भाई। और सोनू बहुत हंसी वाला ब्लॉग है भाई, आप देखोगे ना एक बार, चेकआउट करो उसको जाके। बोल सोनू एक बार देखो वाला ब्लॉग, देख लो सब लोग। ना ना, एक बार तू बोल दे यार, बोल दे एक बार, बोल दे एक बार, एक बार, एक बार। हाँ तो जाओ भाई और वाला ब्लॉग देखो फटाफट। तो सोनू पता क्या बोल रहा था उसने, मेरे पापा रहे, मेरे पापा रहे, मेरे पापा की वीडियो बनाओ, मेरे पापा की वीडियो बनाना, नहीं बोल रहा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी, हमने लूडो भी खेला, वहाँ पे सोनू का व्रत था और सोनू नमकीन खा रहा भाई, नमकीन और चाय। तो वो भी मैंने वीडियो में उतार का आता, सोनू बोला कि दिखावल कहाँ, वीडियो में दिखाई मैंने नमकीन खाते हुए। तो बाकी ऐसा कुछ है, बहुत मस्त व्लॉग है वो, आप जाके देख लो। मेरे पापा जी ने बैल लेके आए सोनाली से। सोनाली से कहाँ है बैल? वो नीचे, ये देख लो भाई। तो सोनू के पापा ने बैल लेके आ गया है सोनाली से, क्योंकि यहाँ देखो टेम्पो में ला रखा है और टेम्पो से ना उसको उतार रहे भी नीचे, देख रहे हो यहाँ पे। तो सुन जा रहा सुन, नीचे मैं आ जाऊंगा नीचे, मेरे को मारेगा बैल। कौन मारेगा बैल? डरता है सोनू के पापा? ये रहे बैल, मतलब बूढ़ा जी, ये बूढ़ा जी हमारे, बूढ़ा जी लगते हैं मतलब। ये देखो बैल, क्या मस्त बैल लाया है सोनू ने, देखो। ये मेरा ड्राइवर, इसका नाम टोर है। देख रहे हो सोनू कह रहा है वो मेरा ड्राइवर है सोनू, क्योंकि मोटर मालिक है भाई सोनू, दो तीन गाड़ियों का। मजाक की बात नहीं है, बात रियल है कि सोनू दो तीन गाड़ियों का मोटर मालिक है। बाकी हंसी मजाक तो चलती रहती है, कहावत है भाई हमारे पुराने, उसमें जब बल धूप भी लगती है और हल्की बारिश भी होती है और धूप भी लगती है तो क्या बोलते हैं बल सोनू? बंदर की शाल की, ऐसे हमारे सोनू का मानना भी है, बाकी सब लोगों का मानना तो यही है ना, है ना सोनू? तो देखो धूप और मस्त धूप और बारिश हो रही है, सब लोग इधर उधर है, बाकी सोनू और मेरा आराम से। लूडो के लगे 10 रुपए की लूडो, तो चलो लूडो खेलते भाई सोनू के साथ फटाफट से। लूडो है तेरे फोन में? दो दोस्त तो हार जाता है हर बार, बार। दो दोस्त वापस दे दूंगा पैसे। पक्का? पक्का, डन है। बाद बोलना डन है भाई, मैंने बोल दिया सबके सामने, बोल दिया। चलो जी सोनू को हराते हैं फटाफट, एक छोटा सा छोटी छोटी क्लिप दिखाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, गेम शुरू करते हैं, शुरू में दिखाएंगे और जब जीतने वाला होगा हमें से जो भी तब दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, है ना? अभी मत दे, बाद में देना। अच्छा सोनू देखो भाई, एडवांस जमा दे रहे, देख रहे हो? और सोनू घर वाले वीडियो देखेंगे ना फिर से तो दिक्कत हो जाएगी, तेरे घर वाले देखेंगे फिर हैं, तो तेरे घर वाले बोलेंगे नहीं कि तू पैसे 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 खेलता लूडो। चलो भाई देख लो भाई, मैं नहीं बोल रहा उसको जबरदस्ती, आप वीडियो में देख सकते हो, सोनू अपने आप मेरे को चैलेंज कर। तो देखते हैं भाई किसकी गोट जल्दी खुलती है, सबसे पहले किसकी गोटी खुलती है, अभी पता लग जाएगा कि सोनू की गोट पहले खुलती है मेरी गोट पहले खुलती है। बेटा सोनू की गोट पहले खुल गई, सुन तेरी गोट पहले खुली है बेटा, दूसरी भी खुल गई। सोनू क्या कर रहा, एंकर हराएगा मेरे को है? हराएगा तो नहीं मेरे को, देख रहे हो भाई सोनू की गोट खुल चुकी है और मेरी गोट अभी भी नहीं खुली है। तो ये देखो अब गोटी खुली है अपनी भाई, ये देखो दोनों दो गोटी लगातार खुल गई भाई।
तो आपको एक बार दिखा देते हैं झलक। कुछ ब्रेक के बाद कुछ ऐसा हाल हो गया है सोनू का। ये देखो तीन गोट मेरी अंदर चली गई है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तीन गोट मेरी ये यहाँ पे है और एक गोट अंदर जाने वाली है, और अभी मेरे को छः चाहिए, दो आए हैं। ठीक है, अब सोनू के देख लो एक बार, सोनू दिखाने दे एक बार, दिखाने तो दे। सोनू की दो गोटे हैं और एक गोट यहाँ पे है, और एक गोट मैंने काट रखी है जो कि बंदर मेरी लास्ट गोट है, जिसको कि चार चाहिए। अब देख लो भाई, देख रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम, देख लो। दो चाहिए भाई मेरे को, दो दो चाहिए और मैं जीत गया। सोनू भाई आपने 10 रुपये हार चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हैं, इधर तो देखो एक बार, इधर देख के बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। और दोबारा खेलोगे? अभी नहीं है मेरे पास, बाद में। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कि सोनू बाद में मत बोलना कि मेरे 10 रुपये वापस दे दे। देख बाद में मत बोलना, मैंने वीडियो में पहले है पक्का। तू नहीं बोला था मेरे को जबरदस्ती खेलने के लिए, फिर मत बोलना कि 10 रुपये वापस दे दे। और तेरे घर वाले देखेंगे वीडियो, तब तो अगर मेरे को गाली देंगे तब तो तू बोलेगा की हाँ गाली मत देना। मैं बोलूंगा की मैंने अपनी मर्जी से खेला। बोल, मैंने अपनी मर्जी से खेला। पक्का ना? देख लो भाई, सोनू ने बोल दिया है और हम जीत चुके हैं। मैंने गेम से पहले बोला था कि सोनू मेरे से नहीं जीतेगा। तो बाकी सोनू कहाँ जा रहा है? मैं गांव जा रहा हूँ। तो सोनू भी जा रहा है गांव, मैं करता हूँ वीडियो की एडिटिंग, जैसे कि मैं बता रहा था शाम को अपलोड भी करना है। और सोनू के ना वापस देते हैं 10 रुपये वीडियो के अंदर अंदर, क्योंकि मैं चाहता तो वीडियो के ऑफ कैमरा भी दे सकता था, पर कहीं इसके घर वाले ने फिर बोल दिया कि दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, तो सबके सामने दे रहा हूँ वापस 10 रुपये। और ऐसे नहीं कि अंदर से बात इधर इधर नहीं मांगू वाले, इधर 10 रुपये हैं। ठीक है भाई, हम मजाक में खेल रहे। तो सोनू के 10 रुपये दे दिए भाई वापस। ठीक है, क्योंकि कहीं इसके घर वालों को लगता है कि मैंने सच में जीत लिए हैं। जीते तो सच में मतलब, पर वापस दे दिए क्योंकि मजाक में हंसी मजाक चलती रहती है। कौन सा मैं इसके 10 रुपये सच में लेने वाला था, पर मैं इसको बोल रहा था कि नहीं जीतेगा भाई तो मेरे से, और नहीं जीता, वही हुआ। बाकी चलो, सोनू जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सोनू तो सोनू जा रहा है, और हम अपना एडिटिंग करते हैं। शाम को अपलोड करना है वीडियो, मैं शाम को वीडियो अपलोड करता हूँ प्रोला 5G से, और सुबह के टाइम पे मैं उसे पब्लिश कर देता हूँ। तो सारे भाइयों को मैं बता दूँ, एक दिन छोड़ के आपको हमेशा मेरे व्लॉग 9 से 9:30 बजे सुबह देखने को मिल जाएंगे। पूरे दिन भर से बारिश हो रही है, ये देख रहे हो यहाँ सामने, अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो इतना मोटा सा धारा देख रहे हो, कितना मोटा धारा सा ये पाइप है ना जो छत से आ रहा है हमारे, इतना मोटा सा पाइप देख लो, पूरा छत पानी से भरा हुआ है। आस पास देखोगे ना तो अंधेरा हो रखा है, पर बारिश ना भाई बहुत ख़तरनाक लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो भाई मुझे लगा था कि बारिश रुक जाएगी और मैं थोड़ी देर चले जाऊँगा परोला, और वीडियो अपलोड करके आ जाऊँगा जो मैंने व्लॉग डालना था, और व्लॉग भी नहीं डाल पाया भाई, और पूरे दिन भर ना कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि कहीं नहीं गया, बारिश पूरे दिन भर हो रही थी, कहीं जाना हुआ नहीं, व्लॉग में कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं होगा। फिलहाल इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपको फिर से बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय।